साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। और साथियों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपना वो खेत जिसमें हमने कुछ समय पहले नई विधि से गन्ने की बुवाई की थी। साथियों, इस खेत में हमने फगवाड़ा विधि से अपने गन्ने की बुवाई की थी। साथियों, बड़ से बड़ की दूरी हमने 2.25 फुट के आसपास रखी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा गन्ना 95% लगभग उगाया है। और साथियों, ये हमारी गन्ना वैरायटी 15023 है। तो साथियों, जहां हमारा गन्ना नहीं उगा है उसको भी देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वर्ड हमारा अभी नहीं उग पाया है। तो साथियों, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसकी आँख ख़राब है कि साथियों आँख थी नहीं इसमें। क्योंकि साथियों, आप देख पा रहे हो और भाइयों, आप देख सकते हो कि उगने से पहले ही 2 पौधे हमारे सिंगल वर्ड से निकलने को तैयार हैं। और साथियों, कुछ समय में लगभग 5-6 रोज में हमारा ये गन्ना जो वर्ड है वो सब निकल के तैयार हो जाएगा। और साथियों, जो नहीं निकल पाएगा उसके लिए हमने अलग से पौध तैयार कर रखी है इसी खेत में, आपको वो भी दिखाऊंगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने साइड के जो हमारे कूड़ होते हैं उनमें हमने नज़दीक नज़दीक सिंगल वर्ड से बुवाई कर रखी थी। तो किसान भाइयों, आप तो आज मैं सही से दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमारा गन्ना इस समय उपजने के बाद किस कंडीशन में है। तो साथियों, खेत थोड़ा गीला है क्योंकि पिछले 2 रोज से हल्की हल्की बारिश होती रहती है। इसलिए भाइयों, ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता लेकिन जितना भी संभव होगा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे, और साथियों ये वैरायटी 15023 है। उगने के बाद किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि इसका पौधा बहुत हल्का होता है। इसलिए साथियों, आपको ये छोटे छोटे हल्के हल्के पौधे ही दिखाई पड़ रहे हैं। और साथियों, इसमें हमने खरपतवार के लिए कुछ समय पहले एक स्प्रे भी की थी, लेकिन भाइयों अधिकांश चौड़ी पत्ती का खरपतवार तो नष्ट हो गया, लेकिन भाइयों कुछ अभी बचा है, उसके लिए हम 1-2 रोज में दूसरी स्प्रे करेंगे। साथियों, एक और बर्ड को उखाड़ के देखता हूँ मैं, ये भी यहाँ पर नहीं जम पाया था, तो इसमें देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गन्ने की आँख 2-1 रोज में निकल आएगी। और साथियों, आप तब भी अगर सादा बुवाई करते हो तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी काफ़ी नज़दीक होती है। अगर भाइयों आप ट्रेंच विधि का या किसान भाइयों डबल लाइन ट्रेंच का, सिंगल लाइन ट्रेंच का, तब भी अपने गन्ने की बुवाई करते हो, उसी के साथ साथियों आपको लगभग मान के चलो अगर आप 5000 बर्ड की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों आपको 200-250 कम से कम, नहीं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि 400-500 बर्ड सिंगल आँख के अपने उसी खेत में एक्स्ट्रा में बो दें, जिससे कि साथियों जहाँ पर भी आपका पौधा नहीं जम पाता किसी कारणवश तो आप आगे चल के उसको खाली गैप को भर सकते हो। किसान भाइयों, इससे उपज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथियों, एक और उखाड़ के देखता हूँ, तो भाइयों आप देख पा रहे होंगे कि ये भी हमारी गड़ेली
दो चार रोज में इसकी भी आँख लगभग निकलने ही वाली है। तो भाइयों आप देख पा रहे होंगे, और साथियों ये विधि बहुत ही कम खर्चे की होती है। इसमें मेरे किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे साथियों, हमने साइड में बहुत नज़दीक नज़दीक एक्स्ट्रा पौध तैयार की थी, लेकिन साथियों पौध लगभग इतनी तैयार हो गई है कि मान के चलो इसमें से इतनी हमारी साइडों में साइड के कूड़ों में हमने पौध तैयार की थी लगभग किसान भाइयों, उसमें से आधी पौध हमारी बच जाएगी। और साथियों इसीलिए हमने साइडों में इसकी बुवाई की थी, अन्यथा कुछ समय बाद इसकी साइडों को हम जोत देंगे इस पौध को ट्रांसफ़र करने के बाद में। और साथियों कुछ समय बाद इसमें हम अपने खेत में सरसों की बिजाई करेंगे, वो भी देखना, वो बिजाई भी किसान भाइयों अलग विधि से की जाएगी। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही दिखाने की कोशिश थी। साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार।